हेलो एवरीवन, स्वागत है आप सभी का एक बार फिर से जीडीसी यूट्यूटर पर। जी हाँ, इस यूट्यूब चैनल पर हम आए दिन डी फॉर्म स्टूडेंट्स के लिए ऐसे तरह तरह के वीडियो लेकर आते हैं जो आपको हमेशा हेल्प करेगा। ये वीडियो आप सभी के लिए इसलिए बहुत ज़्यादा बेनिफिशियल है क्योंकि कई बार स्टूडेंट्स को ये जानकारी नहीं रहती कि उन्हें सेशनल एग्जाम में कैसे मार्क्स मिलेंगे, सेशनल एग्जाम में उन्हें कैसे क्वेश्चंस मिलेंगे, कितने मार्क्स के क्वेश्चन आते हैं, लॉन्ग आंसर टाइप क्वेश्चन कितने आते हैं, शॉर्ट आंसर कैसे आते हैं और कितने कितने मार्क्स के रहते हैं, कितना समय इन्हें एग्ज़ाम के लिए दिया जाता है। ये सारी चीज़ें कई बार स्टूडेंट इनसे लैग कर जाते हैं जिस कारण से उनका मार्क्स बहुत ही रिड्यूस हो जाता है, बहुत कम मार्क्स आता है। तो आज के इस वीडियो को पूरे अंत तक देखना, आपको सारी चीज़ें बताऊंगा, कितने नंबर के क्वेश्चन आएंगे, शॉर्ट आंसर कितने आएंगे, लॉन्ग आंसर कितने आएंगे और कैसे आपका मार्किंग स्कीम रहने जा रहा है। तो ये वीडियो कम्प्लीटली हम सिर्फ थ्योरी पोर्शन के लिए बात करेंगे। अगला फिर से एक वीडियो आएगा जिसमें अपन प्रैक्टिकल के बारे में बात करेंगे। यहाँ मैं आपको बताऊंगा थ्योरी एग्जाम में, चाहे आप डी फॉर्म फर्स्ट ईयर में रहें, चाहे आप सेकेंड ईयर में रहें, थ्योरी एग्जाम में आपके सेशनल में कितने मार्क्स के क्वेश्चन आते हैं, आपके फाइनल एग्जाम में कितने मार्क्स के क्वेश्चन आते हैं और इसमें क्वेश्चन कैसे डिवाइड किए जाते हैं। लेकिन ये सारी चीज़ें मैं आपको एजुकेशन रेगुलेशन 2020 के तहत जो सिलेबस जारी किया गया है उसके अंतर्गत ही बता रहा हूँ, बिल्कुल ऑफिशियल चलेंगे। ये PDF आप नीचे दिए हुए लिंक से डाउनलोड कर सकते हैं या तो आप सिंपली गूगल में सर्च कर सकते हैं डी फॉर्म सिलेबस PCI एजुकेशन रेगुलेशन 2020। इसके बेसिस पर अपन यहाँ पर बात करेंगे। ये आपका ऑफिशियल सिलेबस है जो PCI के द्वारा एजुकेशन रेगुलेशन 2020 में आपके लिए जारी किया गया है। आपको डी फॉर्म इसी के बेसिस पर पढ़ना है, इसमें जो सिलेबस दिया है यही आपको पढ़ना रहेगा। तो यहाँ पर हम पहुँचते हैं इनके मार्किंग स्कीम पर। आप नीचे स्क्रॉल करेंगे 13th नंबर पेज में आपको मिल जाएगा। आपके जितने भी यहाँ पर सब्जेक्ट हैं डी फॉर्म में आपको टोटल 11 सब्जेक्ट पढ़ने हैं। 5 सब्जेक्ट आपको फर्स्ट ईयर में पढ़ने हैं और 6 सब्जेक्ट आपको सेकेंड ईयर में पढ़ने हैं। यहाँ पर हम बात करेंगे सारे सब्जेक्ट का, ऐसा ही क्वेश्चन पैटर्न आएगा, ऐसा ही क्वेश्चन आएगा। यहाँ पर देख सकते हैं आप गाइडलाइंस फॉर द कंडक्ट ऑफ थ्योरी एग्जामिनेशन, ठीक है, थ्योरी एग्जाम कंडक्ट करवाने के लिए क्या गाइडलाइंस यहाँ पर जारी किए हैं। ये हो गया आपके सेशनल के लिए और नीचे यहाँ पर हो गया आपके फाइनल एग्जाम्स के लिए, फाइनल बोर्ड्स के लिए, ठीक है। ध्यान रखना है 11 ही सब्जेक्ट में ऐसे ही पैटर्न से क्वेश्चन आएंगे। यहाँ पर अगर मैं सेशनल एग्जाम की बात करता हूँ तो इस बात को आपको ध्यान रखना है, सेशनल एग्जाम 2 या 3 ले सकते हैं, डिपेंडिंग अपॉन द कॉलेज 2 या तो 3 आपके सेशनल एग्जाम भी हो सकते हैं। मेनली छत्तीसगढ़ की बात करता हूँ तो छत्तीसगढ़ में अधिकतर कॉलेज में 3 सेशनल एग्जाम होते हैं डी फॉर्म स्टूडेंट्स के, लेकिन आपके कॉलेज पर वो डिपेंड कर सकता है, वो 2 या 3 ले सकते हैं। तो देखिएगा 2 या 3 आपके सेशनल एग्जामिनेशन होंगे और एग्जाम के लिए आपको 90 मिनट का समय दिया जाएगा, 90 मिनट का समय रहेगा और यहाँ पर फुल मार्क्स आपके रहेंगे 40 मार्क्स का आपका सेशनल एग्जाम का पेपर होगा, थ्योरी पेपर होगा। अब इसके अंदर डिस्ट्रीब्यूशन कैसे किया गया है ये हमें देखना है। लॉन्ग आंसर टाइप क्वेश्चंस आएंगे 3, ठीक है, 3 लॉन्ग आंसर टाइप क्वेश्चंस रहेंगे और एक क्वेश्चन के लिए आपको 5 मार्क्स मिलेगा, ठीक है। तो आपको 3 सॉल्व करने हैं, 4 आएंगे, 4 में से आपको 3 सॉल्व करने हैं, ये हो जाएगा आपका कंप्लीट 15 मार्क्स। सेकेंडली बात करते हैं शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चन, तो एक क्वेश्चन के लिए यहाँ पर आपको 3 नंबर मिलेगा, एक क्वेश्चन के लिए आपको 3 नंबर मिलेगा। टोटल यहाँ पर 6 क्वेश्चन आएंगे जिसमें से आपको कुल 5 क्वेश्चन ही सॉल्व करने हैं। आप यहाँ पर एक यहाँ पे ऑप्शनल तरीके से छोड़ सकते हैं, तो ये हुई हो जाएगा आपको कुल मिलाकर 15 नंबर। फिर बात करते हैं ऑब्जेक्टिव टाइप ऑफ क्वेश्चन, ठीक है। अभी जो नया रेगुलेशन ये जो आपका जारी हुआ है इसमें MCQs और ऑब्जेक्टिव टाइप के क्वेश्चन ऐड किए गए हैं, पहले ऐसा नहीं आता था, सब थ्योरी ही रहता था, लेकिन यहाँ पर आपको आपके एजुकेशन क्वालिटी को और बढ़ाने के लिए यहाँ पर ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चंस डाले गए हैं जिसमें 10 से 10 आपको पूरे सॉल्व करने पड़ेंगे। 10 क्वेश्चन आएंगे, एक क्वेश्चन के लिए करेक्ट आंसर आपको मिलेगा 1 नंबर, तो यहाँ पर आपको 1 नंबर का 1 क्वेश्चन सॉल्व करना है और 10 है तो 10 के 10 ही करना है। यहाँ पर आपके पास कोई ऑप्शनल क्वेश्चन नहीं रहेगा, सभी को सॉल्व करना कंपलसरी है। यहाँ पर MCQ टाइप के भी क्वेश्चन आ सकते हैं, फिल इन द ब्लैंक्स के भी आ सकते हैं, 1 वर्ड या 1 सेंटेंस क्वेश्चन भी आ सकते हैं। तो इसका भी सम हो गया आपका 10, तो कुल मिलाकर कितना हो गया 40 नंबर। ये 40 नंबर, इसे सॉल्व करने के लिए आपको 90 मिनट का समय दिया जाएगा। लेकिन जब कैलकुलेशन की बात करते हैं,
आपके तीन सेशनल हो गए या आपके दो सेशनल हो गए, 40-40 नंबर के आपके दो या तीन सेशनल हो गए, लेकिन जब फाइनल में ये मार्क्स जुड़ेंगे तो इस 40 नंबर को 20 नंबर में रिड्यूस कर दिया जाएगा और उसके हिसाब से आपका मार्किंग किया जाएगा। अभी 40 आउट ऑफ जो आपको मार्क्स मिल रहे हैं, लेकिन जब फाइनल में ये जुड़ेंगे तो आपके मार्क्स हो जाएंगे 10 या 9, जितने भी आपने यहाँ पर लाए हैं। मानकर चलते हैं अगर आपने 17 लाए तो आपके 17 आउट ऑफ 20 हो जाएगा, ठीक है। तो 20 में उसे कैलकुलेट करेंगे, इस बात को आपको ध्यान रखना। तो एक हिसाब से क्या हो गया, आपका मैक्सिमम मार्क्स 20 हुआ सेशनल एग्जाम के लिए। सेशनल एग्जाम के लिए आपका मैक्सिमम मार्क्स कितना हो गया, 20। फिर बात करते हैं फाइनल एग्जाम, फाइनल जो या जिसे हम यूनिवर्सिटी एग्जामिनेशन या बोर्ड एग्जाम भी बोल सकते हैं, ये एग्जाम होता है 80 नंबर का, ठीक है। 80 नंबर का आपका यहाँ से ये एग्जाम हुआ, 20 आपके सेशनल से आके जुड़ेंगे, 80 यहाँ से हो जाएंगे, तो कुल मिलाकर आपका कितना हो जाएगा, 100 नंबर का एक थ्योरी पेपर, ठीक है, 100 नंबर का एक हो गया। इसकी बात करते हैं ये कैसे डिजाइन किया जाएगा, तो इस एग्जाम के लिए आपको 3 घंटे का समय दिया जाएगा, ठीक है। 3 आवर्स आपका टाइम ड्यूरेशन रहने जा रहा है, यहाँ पर आप देख सकते हैं। यहाँ पर कैसा पैटर्न है समझना है, यहाँ लॉन्ग आंसर टाइप क्वेश्चंस आएंगे 7, जिसमें से आपको 6 सॉल्व करना है और एक क्वेश्चन के लिए आपको मैक्सिमम मार्क्स मिल रहे हैं 5, तो कुल मिलाकर 30 नंबर हो गए इस सेक्शन से लॉन्ग आंसर टाइप क्वेश्चन। शॉर्ट आंसर की बात करते हैं तो 11 क्वेश्चन आएंगे शॉर्ट आंसर में, 11 क्वेश्चन जिसमें से आपको 10 सॉल्व करने हैं, एक आप छोड़ सकते हो। यहाँ पर भी कुल मिलाकर 10 × 3 कितने हो गए, 30 मार्क्स यहाँ पर भी आपके आ गए। फिर यहाँ बात करते हैं ऑब्जेक्टिव टाइप ऑफ आंसर, ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन की बात करें तो यहाँ पर 20 आएंगे, 20 के 20 आपको सॉल्व करना पड़ेगा, एक क्वेश्चन के लिए आपको मैक्सिमम मार्क्स एक नंबर मिलेगा, तो ये हो गया आपका 20, तो कितने हो गए यहाँ पर टोटल 80 मार्क्स, 80 आपके फाइनल एग्जाम्स के और 20 आ गए आपके सेशनल एग्जामिनेशन के। तो इस पैटर्न में आपके सारे सब्जेक्ट होंगे, सिर्फ एक ही सब्जेक्ट नहीं, आप जो फर्स्ट ईयर में 5 सब्जेक्ट पढ़ रहे हो, सेकेंड ईयर में 6 सब्जेक्ट पढ़ रहे हो, ये 11 के 11 सब्जेक्ट आपको इसी पैटर्न में देखने को मिलेंगे। तो आपके जो भी यहाँ पर डिप्लोमा के एग्जाम्स होते हैं, सेशनल एग्जाम की बात कर लूँ या फाइनल एग्जाम की बात कर लूँ, हर एक यूनिवर्सिटी में, ऑल ओवर इंडिया में जितने भी कॉलेज हैं, सारे कॉलेज में इसी पैटर्न में आपको क्वेश्चंस मिलेगा और ऐसे ही आपको सॉल्व करना रहेगा। तो ये आपके लिए सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है, ये जानकारी आप तक ज़रूर से पहुँचना चाहिए, अपने फ्रेंड्स तक भी इसे ज़रूर से शेयर करो, उन तक भी इस इंफॉर्मेशन को पहुँचाओ ताकि उनसे भी ये सारी चीज़ें छूटे ना। और ऐसे ही इम्पॉर्टेंट वीडियोज़ के लिए जुड़े रहिए GDC यूट्यूटर के साथ। थैंक यू ऑल।